हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से या टूडे में। आज हम डिस्कस करेंगे एनएलसी इंडिया लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 2% की तेजी देखने को मिल रही है। साथ के साथ बाजार में भी देखें तो काफी अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बन सकते हैं और हमें स्टॉप लॉस किस प्राइस पर रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक के अंदर हमने दो मूविंग एवरेज लगाए हैं, एक 50 डेज का जो कि ब्लू कलर में आप देख सकते हैं और एक 7 डेज का जो रेड कलर की रो लाइन देखने को मिल रही है। अब नीचे में जो स्टॉक का एक बॉटम बन चुका है वो 237 रुपीज का, क्योंकि स्टॉक ने इस प्राइस को नीचे में रिटेस्ट किया है और यहां से स्टॉक का जो ट्रेंड है वो चेंज होता हुआ नजर आ रहेगा, क्योंकि अब 7 डेज का जो मूविंग एवरेज है उससे स्टॉक का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रहेगा, क्योंकि स्टॉक का जो 7 डेज का मूविंग एवरेज प्राइस है वो 248 रुपीज है और स्टॉक उस प्राइस से थोड़ा ऊपर में ट्रेड कर रहेगा, और जबकि 50 डेज का जो मूविंग एवरेज प्राइस है वो 267 रुपीज है और स्टॉक उस प्राइस से थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहेगा। इस वजह से जो 50 डेज के मूविंग एवरेज के हिसाब से स्टॉक का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव साइड में देखने को मिल रहेगा। अब अगर आप एक पोजिशन बनाना चाहते हैं इस स्टॉक के अंदर शॉर्ट टर्म के नजरिए से, तो 240 रुपीज जहां से स्टॉक में एक रिवर्सल दिखाएगा, यहां पर एक स्टॉप लॉस रखें ऊपर के टारगेट 291 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकें। स्टॉक के अंदर ऊपर में एक रुकावट रेंज देखने को मिलेगा 267 रुपीज के पास में, क्योंकि इस पॉइंट पर स्टॉक का 50 डेज का मूविंग एवरेज क्लोजिंग है। जब तक स्टॉक इस प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर क्लोजिंग नहीं लेता, जब तक स्टॉक में एक बड़ी तेजी देखने को नहीं मिलेगी।